हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन बाबा का जन्मोत्सव शहर के बड़ा ताजबाग और छोटा ताजबाग सहित अन्य स्थानों पर बड़े ही सादगी और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन इनका जन्मदिन गुरुवार को बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। शहर के प्रसिद्ध बड़ा ताजबाग को बाबा के जन्मदिन पर रोशनाई और फूलों से सजाया गया। सभी ओर उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा था। बढ़ते कोरोना और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी बाबा के भक्तों ने बाहर से ही बाबा के दर्शन लिए। कोविड नियमों के अनुसार ट्रस्ट के 50 लोगों ने दरगाह के भीतर जाकर बाबा का जन्मदिन मनाया। बड़ा ताजबाग ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस साल का जन्मोत्सव सादगी और धूमधाम से मनाया गया है। आगे बताया कि ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार ने दिए कोविड नियमों का पालन भी किया गया है। BCN न्यूज चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आज जो जन्मोत्सव है बड़ी धूमधाम से शानो शौकत से मनाया जा रहा है और राज्य सरकार की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके नॉर्म्स के हिसाब से सारे कोविड के नॉर्म्स के हिसाब से उसका पूरा पालन किया जा रहा है हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के माध्यम से। इसी तरीके से पुलिस प्रशासन हमारी पुलिस सहकारी मदद कर रही है और लोगों को जो है दरगाह में प्रवेश जो है वो अभी बंद है। थोड़ा थोड़ा जो 5 लोगों की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से प्रवेश दिया जा रहा है मेन डोर से। और इसी तरीके से बाबा का संदेश जो है अमन और शांति और सुकून का ये सब लोगों को बना रहे और पूरे देशवासियों को हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जन्म उत्सव मुबारकबाद मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से देता हूँ और आने वाले समय पे अच्छे से माहौल बने ऐसी मैं शुभकामनाएं। इसी प्रकार शहर के छोटा ताजबाग दरगाह को भी बाबा के जन्मदिन पर सजाया गया था। यहाँ भी ट्रस्ट के चुनिंदा लोगों ने शिरकत कर बाबा का जन्मोत्सव मनाया। आप छोटा राजे रघुजी नगर भोसलेवाड़ा सक्करदरा के ताजुद्दीन बाबा के दरगाह में यहाँ 162वां जन्मदिन ताजुद्दीन बाबा का मना रहे है। यहाँ पर में हम पूरा कोरोना का पूरा ध्यान रखते हुए भाविकों का दर्शन करा रहे हैं। सैनिटाइजर वगैरह बराबर चल रहा है और 162वां जन्मदिन है बाबा ताजुद्दीन का। जनता के लिए यही कि आपस में मास्क पहन के रहिए, सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन रखिए और कोरोना के पीरियड में जितना कम निकल सकते हो घर से बाहर उतना कम निकलिए। जन्मोत्सव के लिए दोनों दरगाह पर पुलिस विभाग का तगड़ा बंदोबस्त रखा गया था। पुलिस भक्तों को कोविड नियमों का पालन करने की सूचना दे रहे थे। पुलिस विभाग ने बताया कि दरगाह ट्रस्ट की ओर से विभाग को अच्छा सहयोग मिल रहा है। दर वर्षापेक्षा या वर्षी ताजुद्दीन बाबांचा जो जन्मोत्सव आहे तो फक्त 50 लोकांच्या उपस्थितीत साजरा करण्याबाबत गव्हर्नमेंटचे गाईडलाईन्स आहेत, त्याप्रमाणे बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। ट्रस्ट कमिटीचं पण सहकार्य पोलीस प्रशासनाला मिळत आहे आणि एकावेळी फक्त 50 लोक राहतील तिथे याची दक्षता घेतली जात आहे। कोविडच्या टेस्ट त्यांच्या अँटीजेनच्या केल्या जात आहे NMC कडून, त्याचप्रमाणे जवळपास 100 लोकांचा बंदोबस्त मोठ्या ताजबागसाठी आहे अधिकाऱ्यांचा कर्मचारी अंमलदारांचा। त्याचप्रमाणे छोटा ताजबाग येथेही तशाच बंदोबस्त लावलेला आहे, तिथेही 7 अधिकारी आणि 50 अंमलदार बंदोबस्तासाठी लावलेले आहेत आणि बंदोबस्त चाललेला आहे सुरळीत। आता इथं परिस्थिती शांततेत आहे। कॅमेरा पर्सन मायकल रामपुरे के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।